बांदा में बबेरू के नायब तहसीलदार पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे हैं। अधिवक्ताओं ने नायब तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कार्रवाई न होने तक काम न करने की चेतावनी दी। दरअसल पछोहा की एक लड़की को भ्रष्टाचार के चलते मृत घोषित कर दिया गया था। लड़की अपने जीवित होने का प्रमाण दे रही थी तो नायब तहसीलदार ने उस पर मुकदमा कर दिया, जिस पर एडवोकेट ने फर्जी बेनामा करवाने का भी आरोप लगाया है और एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो एडवोकेट कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। नायब तहसीलदार जितने यहाँ हैं बबेरू तहसील में, ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा को लांग गए हैं। अभी अभी एक लड़की जिंदा है पचमुआ गांव की, जो अनाथ लड़की है, और नायब तहसीलदार जामू ने 3 लाख रुपया लेकर के उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया, जबकि वो लड़की अपनी गुहार मार रही है, मैं जिंदा हूँ जिंदा हूँ जिंदा हूँ, तब भी नायब तहसीलदार ने लेकर के 3 लाख रुपये की रिश्वत और उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया। ये अन्यायपूर्ण है। जो व्यक्ति सही हो जीवित होता है, जीवित का कभी बैनामे का हस्तांतरण नहीं किया जाता, ना कोई हड्डी बैनामा होता है, परंतु उस लड़की की उन्होंने मृत्यु कर दिया और उसका जो है हस्तांतरण नहीं रखता। हमने कहा नहीं, अगर जब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं हो रहा तब तक हम लोग तहसील के कार्यों का बहिष्कार करेंगे। भ्रष्टाचार और यहाँ पर चरम सीमा पर भ्रष्टाचार फैल चुका, उसके विरुद्ध हमने एक आज संज्ञान में लेकर के सारी तहसील में ज्ञापन ये दिया कि 3 दिन में प्राइवेट कर्मचारी नायब कोर्ट जामू का तो बहिष्कार है, जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, ये ट्रांसफर नहीं होगा, ये सस्पेंड नहीं होगा, जांच नहीं होगी, तब तक इसकी कोर्ट का बहिष्कार होगा, पक्का इसकी कोर्ट का बहिष्कार होगा। और यहाँ किसी तरह के भ्रष्टाचार को अब पनपने नहीं दिया जाएगा, उसकी लड़ाई पार संघ हार पार लड़ेगा, चाहे जो भी अधिकारी हो चाहे जो कर्मचारी हो। नाते हमने आज ज्ञापन दिया है और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है एसडीएम साहब को कि 3 दिन में प्राइवेट कर्मचारियों को पूरी अपनी तहसील को सबको सुधार करके अवगत कराए, नहीं सुधार दिया जाता तो हम आपकी कोर्ट का भी बहिष्कार करेंगे। नेशन मिरर के लिए बांदा से साकेत अवस्थी की रिपोर्ट।